हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन द डेंटल ट्रैवलर व्लॉग। मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मैं जा रहा हूँ एक ट्रिप पे, 3 से 4 दिन का ट्रिप है। तो फाइनली मैं कल मॉर्निंग में निकल रहा हूँ। सोचा तो यही है कि सुबह 7 या 8 बजे मैं निकल जाऊँगा। और हाँ, मैं जा रहा हूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है और ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे का रास्ता है, बाय रोड जा रहा हूँ। तो सोचा तो यही है कि अर्ली मॉर्निंग 7 बजे या मैक्सिमम 8 बजे तक मैं घर छोड़ दूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पर रात होने से पहले ही मैं पहुँच जाऊँ। पैकिंग ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो एक काम करता हूँ, अभी बज गए हैं रात के 12, फिर मैं मिलूँगा आपसे मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी बज चुके हैं सुबह के 8 और हम लोग घर से निकल चुके हैं। गूगल मैप के हिसाब से 8 से 9 घंटे का रास्ता है। अभी हम लोग अभी हाईवे पर पहुंचे नहीं, अभी हम लोग सिटी के अंदर हैं। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूं। तुम्हें कैप्चर करना है? हाँ, वीडियो नहीं रिकॉर्ड करना। तुम्हारी तरफ करो। क्या हुई? फास्ट के गए। अच्छा, फास्ट है, पता नहीं था। तो क्या करना है अभी? करवा दीजिए हमारा। ड्रामा। हाँ? अरे थैंक यू भैया। हटा दो। फ्री कर दिया। क्यों? सामने यार 2 रोड हैं। एक लिखा है सामने सीतापुर आक अस्पताल, एक ये सीधा जाता है और एक यार दूसरी तरफ। गूगल मैप चेक करता हूँ। जो बैक हम लोग की रोड, जो हम लोग की 2 वे में कट गई थी, तो एक पीलीभीत जा रहा था और एक जा रहा था बरेली, फिर रामपुर होते हुए निकल रहा था। तो फिर एक्चुअली जो बरेली वाला रोड है वो 332 किलोमीटर दिखा रहा था और जो पीलीभीत वाला रोड था वो 318 किलोमीटर दिखा रहा था गूगल मैप पे। तो बरेली वाला रोड है उसमें आपकी टाइमिंग कम बता रहा था, वो 6 घंटा 58 मिनट बता रहा है, और जो पीलीभीत वाला जिसमें किलोमीटर कम है उसमें टाइम ज़्यादा बता रहा है, वो 7 घंटा 15 मिनट दिखा रहा है। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. कौन भाई? अरे सामने देखो कैसे जा रही है वो आधी। तो यार ये गिरी क्यों जा रही है मोटरसाइकिल से? ये स्टंट स्टंट है, इट इज कॉल्ड स्टंट। ऑलमोस्ट हम लोग लखनऊ से 240 किलोमीटर आ चुके हैं। बीच में हल्की सी हम लोग ने ब्रेक लिया है, रुके हैं कि थोड़ा कमर सीधी कर ले। बाकी अभी हम लोग का ऑलमोस्ट 280 किलोमीटर अभी लेफ्ट बचा हुआ है से आइरिस रिसोर्ट से, जहां हम लोग ने बुकिंग करवाई है। तो उनका भी कंफर्मेशन कॉल आया था, इस तरह आपकी आज बुकिंग है तो कितने बजे तक पहुंचेंगे। मैंने उनको ऑलरेडी एक आइडिया दिया कि 4 से 5 बजे तक हम पहुंचेंगे। अरे रुको, बंदर आया। ओह गॉड, है? हाँ यार, बंदर आ गया। कहाँ पर है? कहाँ है? अरे ये बैठा तो है। मैंने देखा वो रास्ता क्रॉस करते हुए आ रहा था। शिट मैन, इसका मतलब नीचे जाना भी बहुत ज्यादा रिस्की था। अरे यार तुम हमें फोटो वो देख रहा है। ए hey!
फाइनली वी हैव रीच रामपुर. इट विल टेक 6 to 7 hours फ्रॉम लखनऊ एंड अभी एक घंटा और बचा है जिम कॉर्बेट पहुँचने में. तो सुबह 8 बजे से हम लोग निकले हैं और अभी बज चुका है 3:30. तो आप समझ सकते हैं कि लगातार कार ड्राइविंग करना कितना कठिन है हम लोग के लिए. तो एक ब्रेक तो बनता ही है. रास्ते की बात अगर की जाए तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता है, कुछ ज़्यादा अच्छा रास्ता नहीं मैं बोलूँगा. लखनऊ से जब सीतापुर आए तो बहुत ही अच्छी रोड थी, टोल प्लाज़ा भी पड़ा काफ़ी ठीक था. लेकिन उसके बाद जब सीतापुर से जब हम लोग शाहजहाँपुर गए तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता, और शाहजहाँपुर से बरेली तक भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता निकला. बरेली से जब मुरादाबाद तो बहुत ही अच्छी रोड है, नेशनल हाईवे इतना अच्छा है, तो नो डाउट बिग थम्स अप. लेकिन उसके बाद रामपुर पहुँचते मुरादाबाद के बाद रामपुर पहुँचते तो हम लोग की हो गई हालत ख़राब. इतना ख़राब रास्ता, अभी भी एक घंटा बचा है. अभी मौसम गंदा हो रहा है कि अच्छा पड़ सकता. हाँ अभी मौसम फिर से देखो बादल काले. इसी टाइम की बात है, 6 बजे इतना भयंकर कि सामने का बंदा नहीं दिखता अभी. अच्छे तो हो सकता है कि बारिश अभी भी हो क्योंकि काले बादल हैं जैसे बता रहे. हेलो गाइस, अभी इतना अच्छा व्यू है और हम पहुंच चुके हैं जिम कॉर्बेट. बहुत ही अमेजिंग प्लेस है और हल्की सी बारिश हो रही है. आपको वीडियो में पता नहीं लगेगा लेकिन हल्की सी बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है. और व्हाट अ प्लेस, अमेजिंग प्लेस. में जो बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ चहकने की सुनाई दे रही है. चलिए हम लोग आगे चलते. How's your experience? It was awesome. It is really awesome. Kada bhi to editing video mein aapko bata. तो आप लोग एंजॉय करिए. उसके बाद वहाँ पे स्नैक्स रहता है जो आपका चार्जेबल बेस रहेगा. डिनर रहेगा 8 to 10 डिनर रहता है. और रिसेप्शन का 9 नंबर होगा. ठीक. और यहाँ पे ना इवनिंग में पर डे नेचर वॉक रहता है. अच्छा. 5 o'clock. ओके. तो आप लोग, आपके पैकेज में रहेगा तो आप लोग आ सकते हैं. आज तो हो चुका है, कल आएंगे सर आप. तो ठीक है. उसके बाद ओके ओके. तो अभी हमें कहाँ से जाना पड़ेगा? लड़का जा रहा है सर. अच्छा ठीक है. वेरी वंडरफुल प्लेस एज यू सी एंड जबरदस्त फुल्ली
जंगल के बीच में एक रिसोर्ट बनाया गया है, जो मेरा कॉटेज है वो स्पेशली मैंने जंगल कॉटेज लिया है, एक प्राइवेट मेरा कॉटेज है। और बाकी जो ये सामने आप देख रहे हैं, ये खाना खाने का जो अर्ली ब्रेकफास्ट और रात का डिनर यहीं पर होगा। और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, तो अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा चाय और कॉफ़ी पीने। अंदर है ये अच्छा, वो रिकॉर्डिंग का टाइम लग रहा है। अरे काफ़ी जंगल के बीच में है और काफ़ी अंदर आना पड़ता है, जो मेन रोड है उससे अंदर कट है एक। हम लोग गलती से भूल गए थे, हम लोग कोसी ब्रिज पहुंच गए थे, तो वापस हम लोग ने वहां पर होटल पे कॉल किया, वापस उनसे हम लोग ने एड्रेस लेके वापस हम लोग आए। How's the place? Awesome. Out of the world. How's your husband? बस हम लोग लगभग 6:30 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और गाने का कॉन्सर्ट स्टार्ट हो चुका है। 7 बजे बोला था, 7:10 हो गए हैं। मेरा एक्चुअली इसकी बैटरी जा रही है कैमरे की, तो पावर बैंक लाने गई है अनामिका, तो अभी वो पावर बैंक लेकर आती है, तो फिर हम लोग चलते हैं लाइव कॉन्सर्ट। गाना आप सुन रहे होंगे। अभी हम लोग लाइव कॉन्सर्ट से आ रहे हैं, अभी आवाज़ सुन रहे होंगे, अभी भी चल रहा है, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट सुबह से ट्रैवलिंग किए हैं, 8 बजे से लेके 6 बजे तक, तो ऑलमोस्ट हम लोग इतना टायर्ड हो गए हैं, तो सोच रहे हैं कि अभी रात के 9 बजे हैं, तो अभी हम लोग डिनर करके फिर हम लोग सो जाएंगे, क्योंकि अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि हम लोग। एक सिक्योरिटी गार्ड मुझे मिल गया है, मैं कैमरे में शूट कर रहा था, वो मेरे पास आके खड़ा हो गया, आप देखेंगे कौन है। ये मेरा सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ हाँ, तुम्हारी फोटो वीडियो आ रही है, मैं अपडेट करूँगा, चिंता ना करो। गुड, बैठ गया, काफ़ी समझदार है, यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड लगता है। देख कैसे बैठा हुआ है, नींद आ रही है लाल, मुझे भी नींद आ रही है। आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और मैं मिलूँगा आपसे कल नेक्स्ट मॉर्निंग और एक नए वीडियो में। तब तक कि आप अपना ख्याल रखिएगा, ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड कीप योर हेल्थ हेल्दी। ये पीछे जा नहीं रहा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिए, और मैं आपके लिए एक अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। तब तक कि बाय बाय।